हाँ जी देखिए अपन स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास में आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने म्यूचुअल फंड कंपनी के बिजनेस का फ्रेमवर्क क्या था उसको देखा था और उसके बाद मैंने टॉपिक नंबर टू में प्लेयर्स के बारे में बात करी थी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को बनाने में और उसको रन करने में कौन कौन से प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति मैंने बताया था स्पॉन्सर जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करता है दूसरा मैंने बताया था असेट मैनेजमेंट कंपनी मींस वो फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के द्वारा की जनरेट किए गए पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न को जनरेट करते हैं और उस रिटर्न को इन्वेस्टर्स को वापस करते हैं तीसरा व्यक्ति है ट्रस्ट ट्रस्ट का मतलब वो व्यक्ति ये ट्रस्टी वो व्यक्ति जो स्पॉन्सर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर दी पर्पज ऑफ ये चीज को देखने के लिए कि म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा जो भी फाइनेंस प्रोफेशनल के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा किया इन्वेस्ट किया जा रहा है वो अप्रोप्रियट मैनर में है कि नहीं और सेबी के रूल्स से एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके वो उस को किया जा रहा है नहीं। मैंने बताया था यूनिट होल्डर का मतलब वो इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं ताकि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके तो जो इन्वेस्टर पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन छोटे इन्वेस्टर्स को हम यूनिट होल्डर्स के रूप में जानते हैं चलिए अब अपन इसके आगे की बातचीत करेंगे अब आगे की बात को समझते हैं तो मैंने दो टॉपिक आपको लिखवा दिए अब आपके बातें पॉइंट नंबर थ्री से पॉइंट नंबर थ्री में आप लिखेंगे नेट असेट, वैल्यू। नेट असेट वैल्यू का मतलब मैं बात कर रहा हूं एनवी यहां पर जो हमने कैलकुलेट करी थी उसको एक बार समझते हैं लिखेंगे इसमें नंबर वन नेट असेट वैल्यू net asset value can be calculated can be calculated by market value of total asset market value of total assets less total liabilities लेस टोटल लाइबिलिटीज नंबर टू एनएवी चेंजेस एवरी डे इन कैपिटल मार्केट एनएवी प्रत्येक दिन कैपिटल मार्केट में चेंज होती है एनएवी की वैल्यू हर दिन कैपिटल मार्केट में कैलकुलेट की जाती है Number three, NAV always calculated per unit value because, because when investor when investor wants to return wants to return its investment its investment so that mutual fund company mutual fund company can return its investment its investment as per unit value of mutual funds हाँ जी देखिएगा मैंने क्या तीन पॉइंट आपको लिखवाए एक बार समझना कि नेट असेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट में से टोटल को माइनस करके मतलब क्या म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको एनएवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कंपनी ये चेक करती है कि अगर आज मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेचती हूं तो मार्केट से मुझे कितना पैसा रिलाइज होगा मतलब उसकी मार्केट वैल्यू क्या है कोई भी रिलेटेड लाइबिलिटीज अगर आपको दे रखी है तो रिड्यूस करने के बाद टोटल असेट अवेलेबल कितनी है वो आपकी क्या कहलाएगी नेट असेट वैल्यू कहलाएगी चेंज एवरी डे इन कैपिटल मार्केट अब क्या होता है कि जो भी नेट असेट वैल्यू म्यूचुअल फंड कंपनी हर दिन कैलकुलेट करती है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड दे करके पर यूनिट की एनएवी निकाल लेती है अब जिस भी इन्वेस्टर को उस पर्टिकुलर डे पर म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री लेना है या एग्जिट लेना है तो उसके नंबर ऑफ यूनिट से पर यूनिट ऑफ एनएवी को मल्टीप्लाई करके या तो उसका रीपेमेंट कर दिया जाता है या उससे पैसा लिया जाता है एंट्री के टाइम पर अब मैंने बोला एनएवी चेंज एवरी डे इन कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट में हर दिन शेयर की प्राइस में चेंज आता है हर दिन शेयर की प्राइस में चेंज आता है तो हर दिन एनएवी की वैल्यू में भी क्या होगा चेंज होगा तो एनएवी जो है हर दिन की दोबारा से रिकैलकुलेट की जाती है एनएवी ऑलवेज कैलकुलेटेड पर यूनिट वैल्यू बिकॉज

About current market price, about current market price of its investment of its investment is not given, is not given then. we will consider we will consider book value of investment book value of investment चलिए इतनी बात को एक बार नोट कर लेंगे तो मैंने आखिरी पॉइंट में बताया कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो बुक वैल्यू को ही आपको मार्केट वैल्यू मान लेना है। चलिए, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट हाँ जी एनएवी की कैलकुलेशन आप बनाएंगे इसमें लिखेंगे नेट अ ऑफ स्कीम या नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ स्कीम चलिए इस बात को नोट कर लेंगे तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे नेट असेट वैल्यू चेक करो यानी मार्केट वैल्यू चेक करो और उसको नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड दोगे तो पर यूनिट एनएवी की कैलकुलेशन आ जाएगी सबसे पहले यहां तक की बात नोट करके रिप्लाई करके बताएं क्या आपको मेरी यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का मतलब ऐसे कौन से यूनिट जो अभी रिडीम नहीं किए गए हैं जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ स्कीम का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी मैंने दस लाख रुपए जनरेट किए और एक लाख यूनिट्स मैंने मार्केट में, में इशू करके वो दस लाख रुपए जनरेट करे मैंने क्या करा दस दिन के बाद उसमें से दस हजार यूनिट को रिडीम कर दिया ठीक है यानी कि मान लीजिए दस लाख रुपए की वैल्यू दस दिन के बाद बन गई बारह लाख तो 12 लाख को मैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितने से डिवाइड दूंगा लाख से तो 12 लाख को एक लाख से डिवाइड किया तो पर यूनिट वैल्यू कितनी आई तो आप बोलेंगे सर आई अब मान लीजिए दस हजार मेरे यूनिट होल्डर ऐसे हैं जो बोलते हैं साहब हमारे को पैसा हमारा वापस चाहिए तो मैं उनके दस हजार यूनिट को बारह से मल्टीप्लाई करके जो उनके एक जो भी पैसा बनता है वो उनको मैं रिफंड कर दूंगा या रिटर्न कर दूंगा तो मैंने एक लाख बीस हजार रुपए उनको रिटर्न कर दिए अब जो मेरे पास आउटस्टैंडिंग यूनिट्स बचे वो कितने बचे नब्बे तो जब अगले दिन के लिए एनवी की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस चेक करनी है और अगले दिन की कैलकुलेशन बनाओगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स अब कितने कैलकुल नब्बे तो आप डिवाइड तो देंगे तो यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी यूनिट्स को सेल भी करती है तो यूनिट्स को इशू भी करती है तो हर दिन यूनिट्स इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं तो जो भी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आउटस्टैंडिंग है मतलब मार्केट में इशूड है उनको आपकी टोटल मार्केट वैल्यू से डिवाइड देकर के एनएवी पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसके साथ समझेंगे ये वाली बात तो क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई ये वाली चलिए अब हम बात करते हैं नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम की कैलकुलेशन को कैसे बनाना है हाँ जी लिखेंगे अब अब स्टार मार्क करके लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम हाँ जी नेट असेट वैल्यू कैसे निकालनी है एक स्टेटमेंट बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट हाँ जी चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इस कैलकुलेशन पार्ट में एनएवी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम कैसे निकालेंगे तो नेट असेट वैल्यू को मैं स्टेटमेंट के माध्यम से बता रहा <coughs> तो लिखेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस अवेलेबल इसमें आप जोड़ेंगे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इसमें आप करेंगे ऐड डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड को ऐड कर देंगे इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल एप्रिसिएशन को आप ऐड कर लेंगे इसके अलावा अक्रूड इनकम इसके अलावा रिसीवेबल्स इसमें से आप लेस करेंगे पेबल्स इसके अलावा अदर लाइबिलिटी इनको आप रिड्यूस करेंगे तो ये आपके पास अच्छा इसमें आप थोड़ा सा और भी ले लेंगे इसमें आप लेस करेंगे परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स परचेस ऑफ म्युचुअल फंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर हाँ जी इनको आप रिड्यूस करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम पहले नोट करें फिर मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट किया मैंने नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम चलिए एक बार इस बात को नोट कर लेंगे चलिए हां जी यहां तक की बात नोट करी अब अपने इस बात को समझते हैं देखिए मैंने क्या बात बताई है देखिए नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम का मतलब क्या है ध्यान से मेरी बात को सुनना देखिए एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी मैंने क्या करा छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लिया और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया मान लीजिए ये छोटे इन्वेस्टर मुझसे दस दिन बाद मेरा पैसा मांगते हैं या आप थोड़ा सा लंबा समय लगते हैं अपन कि छह महीने बाद या साल भर बाद मान लीजिए इन्होंने मेरे से पैसा अपना इन्वेस्टेड पैसा मांगा तो एक साल के बाद जब भी मैं इनको इनका पैसा लौटाऊंगा तो मेरे द्वारा किए गए शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट की मैं मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे द्वारा शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उस इन्वेस्टमेंट की आज करंट में वैल्यू क्या है या उस इन्वेस्टमेंट से मैंने आज तो टोटल कितना कमाया ध्यान से सुनो दोबारा से मैंने क्या बात बोली मैं कौन म्यूचुअल फंड कंपनी मैंने छोटे इन्वेस्टर से पैसा लिया लेकर के मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया एक साल के बाद ये छोटे इन्वेस्टर मेरे से पैसा मांगने आते हैं तो मैं चेक करूंगा कि मेरे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू टोटल क्या है तो मैं बोलूंगा साहब क्लोजिंग कैश बैलेंस मेरे पास कितना अवेलेबल है अब मैं साल के एंड में खड़े होकर के सोच रहा हूं कि मेरे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू क्या है तो मैंने बोला मेरे द्वारा किए गए जो मेरे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो कितना है इसके अलावा मैंने म्यूचुअल फंड को सेल करके कितना पैसा कमाया यानी कितना पैसा मेरे पास आया यानी म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को बेच करके इन्वेस्टर से कितना पैसा इकट्ठा किया वो जुड़ता जाएगा जो भी मेरे द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उस पर डिविडेंड कितना मिला तो आपका पैसा इंक्रीज हो गया भाई आप तो एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी क्या सोचोगे आपका पैसा एट द द एंड ऑफ ईयर इंक्रीज कितना मतलब मैंने एक शेयर सौ रुपए का खरीदा और एक साल के बाद उसकी कीमत हो गई एक सौ दस तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया ओनली टेन रुपीज कैपिटल कितना हो गया एक सौ केवल दस रुपए

मान लीजिए मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे उनसे रिलेटेड कोई भी प्रकार की लाइबिलिटी है तो मैं उसको रिड्यूस करूंगा कैसे देखो कोई भी पेबल है किसी को वो मैं लेस करूंगा कोई भी अदर लाइबिलिटी है लेस करूंगा मैंने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को परचेस किया परचेस करने का मतलब क्या मैंने यूनिट्स को बेच करके पैसा मंगाया अब मान लीजिए मैं परचेस कर रहा हूं इसका मतलब क्या कि मान लो ड्यूरिंग द ईयर किसी इन्वेस्टर ने मुझसे बोला साहब मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए तो मैं अगर उसको पैसा दूंगा तो अपने ही यूनिट्स को वापस क्या करूंगा मैं परचेस करूंगा तो परचेस करने की वजह से अपने ही यूनिट्स को अगर मैं एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी परचेस करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा यूनिट्स आएगा तो इसका मतलब परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड की वजह से पैसा आपके पास से जा रहा है तो रिड्यूस कर दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस कोई भी ऐसे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस से रिलेटेड खर्चे जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं वो खर्चों को आप यहां पर लेस करेंगे कोई भी डिविडेंड या आपने किया है। क्या करती है? कि year, उन, जो इन्वेस्टमेंट एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी मैंने शेयर मार्केट में करी उसमें से मुझे कोई इंत्रिम डिविडेंड मिल गया तो मैं क्या करता हूं इंत्रिम डिविडेंड भी यूनिट होल्डर को बांट देता हूं तो यानी मेरे पास पैसा चला जाता है ठीक है ना तो मैंने क्या बोला कोई भी डिविडेंड या इंटरेस्ट कोई भी प्रकार का मैंने डिवेंचर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को या छोटे इन्वेस्टर्स को दे दिया तो मेरे पास से पैसा कम हो गया रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर और इन्वेस्टर का कुछ ओरिजिनल कैपिटल का रीपेमेंट कर दिया तो उसकी वजह से भी पैसा कम हो गया यानी कुल मिलाकर के मोटी तो आपको यह समझनी है कि मैंने इन्वेस्टर से पैसा लेके जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया उससे मैंने क्या क्या पैसा तो जनरेट किया उसको जोड़ लो क्या क्या मेरे को साल भर बिजनेस रन करने के खर्चे आए वो सब उनको रिड्यूस कर दो तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास टोटल पैसा कितना है वो जो टोटल पैसा इन्वेस्टर से रिलेट करता है कितना है उसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड दूंगा तो एन आ जाएगी तो जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पैसा है वो आपकी नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम कहलाएंगे मुझे बताएं यहां तक की बात नोट करके कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ आपको ये बातों की क्लैरिटी आएगी पहले कुछ नोट भी आपको मैं इसमें लिखवाऊंगा पहले मुझे बताओ यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई क्या परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड का मतलब क्या देखो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी आप बोल रहे हैं परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है मैं म्यूचुअल फंड कंपनी मैंने यूनिट होल्डर से पैसा लिया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया ठीक है ना तो मैंने यूनिट्स इशू करके यूनिट्स इशू करके पैसा लिया पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया साल के बीच में कोई इन्वेस्टर आता है बोलता है साहब मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए तो ऐसे केस में मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा दूंगा तो मैं वापस जो मैंने उसको यूनिट्स इशू करे थे वो यूनिट्स क्या करूंगा वापस से परचेज कर लूंगा यानी कि जिस इन्वेस्टर को मिड ऑफ द ईयर या कभी भी पॉइंट ऑफ सिचुएशन पर अपना पैसा वापस चाहिए तो मुझे उसका पैसा उस इन्वेस्टर का वापस देना पड़ेगा अगर मैं पैसा वापस दूंगा तो मेरे द्वारा जो इशू किए गए यूनिट्स थे वो यूनिट्स को मैं वापस ले लूंगा तो यूनिट्स को वापस लेना परचेस ऑफ यूनिट्स कहलाता है तो यानी कि का मतलब आपके द्वारा जो किए गए हैं, उनको वापस लेना कहलाता है। एक ही बात है दोनों की लगभग एक ही बात है दोनों लगभग एक सेम बात है कई बार आपको परचेस ऑफ म्यूचुअल लिखा हुआ मिलेगा कई बार रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर लिखा हुआ मिलेगा एक ही बात है दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक ही है चलिए मेरी बात यहां तक कि क्लियर हो गई आपको दोनों की सेम बात है चलिए अब देखें अपन आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद आप लिखेंगे एक नोट इफ क्वेश्चन गिवन इफ क्वेश्चन given information about calculation of about calculation of closing nav closing nav then calculation as follows

हाँ जी तो इसमें लिखेंगे अमाउंट हाँ जी ओपनिंग नेट असेट वैल्यू ओपनिंग नेट असेट वैल्यू में ऐड करेंगे डिविडेंड इनकम में ऐड करेंगे कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल एप्रिसिएशन में क्लोजिंग एन में से आप लेस करेंगे ओपनिंग एन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स हाँ जी Repurchase units, repurchase of units, dividend distribution. तो ये आपके पास आएगा क्लोजिंग एन चलिए एक बार आप इस बात को नोट करें फिर अपन समझते हैं चलिए सुनेंगे ध्यान से मेरी बातचीत देखिएगा क्लोजिंग एनएवी की कैलकुलेशन यहां पर मैंने एक छोटी सी बात आपको क्या बताइए कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ओपनिंग एनएवी क्या होती है क्लोजिंग एनएवी क्या होती है ओपनिंग एनएवी से क्लोजिंग एनएवी पे पहुंचते कैसे आप खुद सोचो मैंने दस लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए और जब भी, भी मैं एनएवी की कैलकुलेशन बनाऊंगा तो मैं चेक करूंगा वो दस लाख रुपए पे मैंने कमाया क्या एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी मैंने कमाया क्या तो मैंने बोला साहब ओपनिंग एनए वी था उसमें मैंने कोई डिविडेंड की इनकम कमाई कोई कैपिटल अप्रिसिएशन कमाया कोई भी कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन कमाया कोई भी मैंने म्यूचुअल फंड्स को सेल करके पैसा कमाया तो ये सब चीजें आपका पास पैसा आया गया क्या रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स यूनिट्स को रीपर्चेस करने से पैसा गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पैसा गया तो क्लोजिंग एन आ गई तो बात बड़ी सिंपल ये है आपको ये बात मैंने लिखवाई है लेकिन जब अभी अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी कि म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ सिचुएशन पर उसमें मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैल्यू चेक करो आप कि उसकी है क्या यानी आज की करंट डेट पर अगर सभी इन्वेस्टमेंट को बेचा जाए तो हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा और उसमें से लेस कर दो कोई भी प्रकार के खर्चे या लाइबिलिटी है तो लेस कर दो तो आपके पास ये बच जाएगी कि एट द ईयर अगर आप सारे यूनिट्स को बेच करके पैसा कमा करके उसमें से सारे खर्चों को माइनस करके आपके जेब में जो पैसा बचेगा इन्वेस्टर्स को बांटने के लिए वो कितना बचेगा तो वही आपकी जो है क्लोजिंग एनएवी की वैल्यू कहलाएगी सिंपल शब्दों में मैंने इतनी सी बात बोली अब यहां पर हमने ये बातें हमने थ्योरेटिकल थियोर से तो देख ली बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे होता है वो सब बातें मैं आपको करके बताऊंगा तो इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे लेकिन अभी आप लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सीएमए कार्ट एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको आप बुक अपलोड कर दूंगा तो उस बुक से अभी जब तक आपके पास बुक नहीं आती है तब तक आपको उस पी फाइल से देखना है फिर जैसे ही आपके पास बुक आ जाएगी तो अपने बुक से फिर पढ़ना शुरू कर देंगे ठीक है ना तो कल की क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे आज की क्लास में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट का डिस्कशन हो चुका है अब इसमें आगे जा करके धीरे 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 आपके थ्योरेटिकल डिस्कशंस आते जाएंगे अकॉर्डिंगली अपन करते जाएंगे तो अब हम कल की क्लास से कुछ प्रैक्टिकल पार्ट को शुरू करेंगे इसलिए आज की क्लास में सिर्फ यहाँ तक की बात को समझ करके आपको छोड़ना है चलिए तो आज की इस क्लास में इतना रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद